हेलो एवरीवन, मेरा नाम मंजीत सिंह है। मेरे टैटू स्टूडियो का नाम है मंजीत टैटूज़। मैं लास्ट 12-13 ईयर से टैटू कर रहा हूँ। आज मैं आपको अपनी जर्नी, कैसे मैंने टैटू स्टार्ट किया, कैसे मेरा स्टार्टिंग से लेके अभी तक एंड तक मैं आपको सब बताऊंगा। बचपन से ही ड्राइंग का बहुत शौक था, तो कई बार ऐसा होता था कि डांट भी पड़ती थी घर से भी, और जो हमारे टीचर हैं, फेमस भी बहुत था मैं स्कूल में कि अपनी क्लास में ज़्यादातर, कि जो भी ज़्यादातर बच्चे मुझसे ड्राइंग ज़्यादा करवाते थे। बचपन मेरा अच्छा निकला और इससे मेरे जो पेंटिंग सीखने का जो मेरा जज्बा था वो और ज़्यादा मजबूत हुआ। तो स्कूल के रास्ते में एक आर्टिस्ट थे जो बाद में मेरे गुरु बने, बलजीत सिंह। उनके घर के आगे जैसे वो पेंटिंग करके सूखने के लिए बाहर रखते थे, तो मैं उनको देख के बड़ा इम्प्रेस होता था कि यार क्या पेंटिंग की है। 10th पास की, पर मेरा मन नहीं था उस आगे बढ़ने का। मेरा मन यही था कि बस आर्टिस्ट बनना है। तब उस टाइम यहाँ ISBT दिल्ली ISBT के पास फिल्म लाइन के बोर्ड बनते थे, तो मैं उनके पास गया कि मुझे सीखना है। तो बस अगले दिन से स्टार्ट हो गया। आज भी सोचता हूँ तो मज़ा आ जाता है। तो वहाँ मैंने सीखना स्टार्ट किया। धीरे धीरे मैं उनके जैसे ड्राइंग करने की कोशिश करने लगा कि वो कैसे ड्राइंग करते हैं। तो 2-3 महीने बाद एक आर्टिस्ट ने मुझे कहा कि भाई, तब उस टाइम शाहरुख खान की मूवी आई थी, नया नया शाहरुख खान भी आया था उस टाइम, तो उसका शाहरुख खान का फेस बनाना था मुझे। तो मैंने ड्राइंग कर दी थी, तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर ना एक कलर फिल कर दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने एक कलर की बजाय मैंने उसके अंदर पूरा जैसे अपनी तरफ से जितना हो सकता उसको मैंने अच्छा बनाया। तो वो आर्टिस्ट आया, देख के खुश हुआ और बोला भाई कल से तू ही मेरा जितना बोर्ड है सब तू ही भरेगा, उसमें एक कलर नहीं, यानी अपनी तरफ से जितना कर सकता उतना कर। मैं बड़ा खुश। घर वालों का सपोर्ट तो था पूरा, पर वो कहते थे कि तू आर्टिस्ट बन के करेगा क्या। आर्टिस्ट देख, जहाँ मैं काम करता था वहाँ वही आर्टिस्ट जो बैनर लाइन के जो फिल्म पोस्टर बनाते थे, तो यानी वहाँ इतना ज़रा कमाते नहीं थे, बस उनको आर्टिस्ट बनने का शौक होता था और वो आर्ट में मज़े लेते थे। अपने घर से 20 किलोमीटर होता था ISBT, वहाँ तक जाने के लिए बस का किराया भी नहीं होता था। यानी 6 साल मैंने विदाउट टिकट गया और आया। और आर्टिस्ट जो हैं जो सीखने आते थे 6-7 बजे ही अपने घर चले जाते थे, पर मैं वहाँ रुक के पूरी रात रुक के जो मुझे काम देते थे मैं पूरी रात रुक के वहाँ करता था। तो पूरी रात छोड़ो, मैं 6-6, 7-7 दिन तक घर नहीं आता था। तो उस टाइम कोई फ़ोन भी नहीं होता कि घर में इन्फॉर्म कर दें। तो एक बार मैं 5 या 6 दिन तक घर नहीं आया, तो मेरे घर वाले ही आ गए स्टूडियो। तो उसके बाद पूछ के आ गए कि हाँ भी कहाँ है। जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं काम कर रहा हूँ, इतने बड़े बड़े पोस्टर बना रहा हूँ और अच्छा काम कर रहा हूँ, तो वो भी बड़े खुश हुए और उनका भी सपोर्ट मिलने लग गया। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि उस काम में बहुत ही मज़ा था। और बैनर लाइन जैसा आर्टिस्ट और जो फिल्म के पोस्टर बनाने वाले आर्टिस्ट, उनके जैसा आर्टिस्ट कोई नहीं हो सकता। बहुत स्ट्रगल किया इनके पास मैं सीखता था। उनका नाम अब्बास जी बोलते थे सारे, तो वो मुझे पैसे देते थे कि हाँ भी ये ले पैसे और रात का डिनर कर लियो, और वो भी बड़े खुश थे कि लड़का बहुत मेहनत कर रहा है। वो आज भी मुझसे मिलते हैं, आज भी समझ लो मुझे बड़ा बहुत ही प्यार करते हैं वो, कि भाई इस बंदे ने आर्ट को आर्ट समझा और बड़ी जल्दी इम्प्रूवमेंट किया। 93 से मैंने जब स्टार्ट किया और 97 तक इस बैनर लाइन में जो फिल्म पोस्टर है, तो मेरा एक सपना होता था कि मुझे मुंबई जाना है। मुंबई में एक फिल्म लाइन के ही बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है, राम कुमार जी। तो मेरा बस एक दिल की यही तमन्ना थी कि मुझे उनसे मिलना है और उनके जैसा आर्टिस्ट बनना है। अचानक जो डिजिटल मीडिया है, धीरे धीरे वो आना स्टार्ट हो गया।
हमारे जो हाथ से पोस्टर जो बनते थे वो बनने कम हो गए, और जो फ्लैक्स है डिजिटल मीडिया वो आना स्टार्ट हो गया। तो वो लाइन भी धीरे धीरे एक दो साल के अंदर 2000 तक तो बिल्कुल ख़त्म होगी, तो मुझे मजबूरन वहाँ से छोड़ना पड़ा। छोड़ना यानी वो जो हमारा स्टूडियो था वही बंद हो गया बिल्कुल। तो वहाँ से छोड़ के मैंने फिर ग्रैफिटी करनी स्टार्ट की, बच्चों के रूम, स्कूल्स में पेंटिंग और बड़ी बड़ी ग्रैफिटीज करनी, या दिल्ली में जो प्रगति मैदान है साल के अंदर एक बार नवंबर में जब वहाँ स्टार्ट होता है, तो उससे पहले दो महीने पहले हमें बड़ी बड़ी पेंटिंग करनी पड़ती थी, तो वहाँ स्टार्ट किया। तो यानी अपना करियर मैंने पेंटिंग से, ग्रैफिटी से इसे स्टार्ट किया। लाइफ काफ़ी अच्छी जा रही थी, और यानी मैंने अपना घर में सपोर्ट करनी भी स्टार्ट की, और काफ़ी अच्छा पैसा कमाना स्टार्ट किया। काफ़ी लाइफ में एंजॉय कर रहा था, काफ़ी मज़ा आ रहा था। पर धीरे धीरे डिजिटल मीडिया भी इसमें एंटर करने लग गया, और जो हम बड़ी बड़ी ग्राफिटी करते थे लोग उसके ऊपर अब डिजिटल प्रिंट लगाने लग गए। जो मेरे गुरुजी थे उन्होंने अपना इवेंट लाइन में वो चले गए, तो यानी मैं अकेला ही काम करना स्टार्ट कर दिया। तो और फिर मैंने जो आर्किटेक्ट्स होते हैं उनके साथ काम करना स्टार्ट किया, ड्राइंग रूम हो गए, बेडरूम हो गए, इनको डिज़ाइन करना, इसमें कहाँ कहाँ पेंटिंग हो सकती है। पर इस लाइन में एक प्रॉब्लम थी कि आज काम कर रहे हैं और पैसे मिलते थे एक महीने बाद, तो इस यानी कह सकते हो कि एक अच्छा टाइम के बाद फिर पैसों की प्रॉब्लम फिर स्टार्ट हुई मेरी। बहुत ही मजबूरी के साथ मैंने एक दो साल निकाले, पैसों की बहुत तंगी बहुत, और पूरे घर की जिम्मेवारी मुझ पे थी। यानी और समझ लो कि पैसों की हमेशा ही टेंशन रहती थी कि पैसे कहाँ से आएंगे। पर मुझे मजबूरी में एक दो साल मुझे पेंटिंग, क्योंकि मैं पेंटिंग ही करनी पड़ी, क्योंकि मैं पेंटिंग ही करना चाहता था, मैं डिजिटल लाइन में जाना ही नहीं चाहता था। तो एक दो साल मैंने समझ लो बहुत ही मुश्किल से और पैसों की तंगी के साथ निकाले। मैं सोच रहा था कि आर्ट लाइन को किस तरह चेंज किया जाए, किस लाइन में जाया जाए जहां आर्ट भी हो और पैसा भी हो। तो एक दिन मैं घर में बैठ के हिस्ट्री चैनल देख रहा था, तो उसमें शो आता था उस टाइम मायामी इंक, तो मैंने मायामी इंक देखा। तो उसमें जो आर्टिस्ट थे पेंटिंग भी करते थे और टैटू भी करते थे, और उस टाइम इंडिया में नया नया टैटू स्टार्ट हुआ था, 2006-07 की बात होगी, तो नया नया टैटू इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी। तो मेरा बड़ा मन था, यानी मुझे नहीं पता था कि उस लाइन में क्या है, कैसी लाइन है, कोई टैटू बनवाता है इंडिया में या नहीं बनवाता, मुझे नहीं पता था। पर मुझे वो देख के काफ़ी अच्छा लगा कि टैटू भी आर्ट है, उसमें भी मज़ा आ रहा है। तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया कि टैटू इंडस्ट्री कैसी है इंडिया में, एक दो आर्टिस्ट के पास भी किया। तो जो मैंने एक महीना दो महीना रिसर्च किया, तो इसके अंदर मुझे लगा कि मैं अपनी आर्ट लाइन में भी रह सकता हूँ और अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब टैटू ही करूँगा। मेरे घर के आसपास ही एक टैटू स्टूडियो था, तो मैं उनके पास गया कि मुझे टैटू सीखना है। तो उसने सीधा बोला 50,000 सिखाने के। तो उस टाइम 50,000 तो मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी, 50,000। मैं कहा यार कैसे करेंगे। तो मैंने उनको अपना वर्क दिखाया कि भी मैं पैसे तो नहीं दे सकता,
पर मैं आपको पेंटिंग सिखा सकता हूँ, स्केचिंग सिखा सकता हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया था कि जो टैटू आर्टिस्ट है उसको स्केचिंग या पेंटिंग कुछ नहीं आती, वो सिर्फ ट्राइबल टैटू, नाम लिखना या ये चीज़ें करता था। मैंने धीरे धीरे उस आर्टिस्ट को पेंटिंग और स्केचिंग सिखानी स्टार्ट की और उसकी शॉप पे जाना स्टार्ट कर दिया, पर उसने मुझे टैटू सिखाने स्टार्ट नहीं किया। तो पर जब वो टैटू बनाता था, मैं उसे देखता था कि कैसे बना रहा है, उसकी नीडल्स कौन सी हैं, मशीन कैसे चलती है, और उस टाइम में मशीन मिलना भी बहुत मुश्किल था, कोई सप्लायर नहीं होता था और अपनी नीडल भी खुद बनानी पड़ती थी। तो धीरे धीरे एक महीना बीता, पर समझ लो ना के बराबर ही टैटू आया मुझे। तो सोचा कि मुझे खुद ही करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने मशीन ली, बड़ी मुश्किल से कहीं से जुगाड़ करके मैंने एक मशीन ली, बिल्कुल बेसिक मशीन थी, और मेरा एक रिलेटिव था, मैंने उसको कहा कि टैटू बनवाना है, उसको भी शौक था टैटू का, तो मैंने सबसे पहले उसके ऊपर एक ड्रैगन बनाया, और अंदर से बहुत खुश हुई कि मैं टैटू कर सकता हूँ। ड्रैगन भी ठीक ठाक बना था, क्योंकि मेरे को स्केचिंग पेंटिंग आती थी, तो टैटू के हिसाब से देखें तो इतना अच्छा नहीं था, पर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा था कि मैंने फर्स्ट टैटू किया। उसके बाद उसने जब अपना टैटू और लोगों को दिखाया और लोग भी मेरे पास आए, और लगभग एक महीना लगा मुझे अपना हाथ सेट करने में, और फिर उसके बाद मेरे पास ये लगा लो कि रोज़ ही एक दो टैटू डेली ही आने लग गए। धीरे धीरे घर में क्लाइंट बढ़ने लग गए, और जो पैसों की प्रॉब्लम थी, टैटू किया और ये नहीं कि ये टैटू करवाने के बाद एक महीने के बाद पैसे दे रहा है, टैटू करवाया और उसे टाइम पैसे, धीरे धीरे एक दो महीने बाद घर में जो पैसों की तंगी थी वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। जो टैटू मुझे बनाने ज़रा अच्छे लगते थे उसको मैंने फ्री में भी किया, बड़े बड़े टैटू मैंने फ्री में भी किया, 8-8 घंटे लगा के टैटू कर रहा हूँ, उसका कोई चार्ज नहीं, क्योंकि मुझे टैटू करने हैं, टैटू लाइन में मुझे अपना नाम करना है। तो काफ़ी मज़ा आने लग गया, और एक से दो साल तक मैंने घर में ही टैटू किया। फिर जब मैंने देखा कि मेरे पास इतना मैंने पैसे कमा लिए हैं कि मैं अपना स्टूडियो खोल सकता हूँ, फिर मैंने अपना स्टूडियो 2010 में अपना स्टूडियो ओपन किया। जब मैंने इस लाइन के अंदर आया तो इस लाइन के अंदर भी मैंने बड़ी बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिक्स देखी। उस टाइम गिने चुने आर्टिस्ट होते थे, पर कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं था कि जो सपोर्ट करे, यानी इस लाइन में सपोर्ट करने वाले आर्टिस्ट बहुत कम थे, पॉलिटिक्स वाले ज़रा होते थे। उस टाइम को देखें मैं उनको फॉलो करता था, और आज देखें वो मुझे फॉलो करते हैं। उस टाइम लोग अपना थॉट लेके आते थे कि मेरे मन में ये थॉट है या मुझे ऐसा टैटू चाहिए, और उसको मैं स्केच करके दिखाता था। तो आप लोग सोच सकते हैं कि विदाउट ड्राइंग या पेंटिंग आप कुछ स्केच नहीं कर सकते, या कोई भी डिजिटल चीज़ आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती जब तक आपको स्केचिंग नहीं आती, आप कुछ आइडिया स्केच करके नहीं देते। तो बहुत अच्छा लगा कि मुझे जो मेरी पिछली मेहनत थी, जो मैंने पेंटिंग सीखी या स्केचिंग सीखी, आज मेरे काम आ रही है इतनी। और मैं आप सबको बता दूं कि विदाउट स्केचिंग पेंटिंग आप इस लाइन में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर सकते, क्योंकि स्केचिंग करना और पेंटिंग करना बहुत ज़रूरी है इस लाइन में, ये तो आप बेसिक आर्टिस्ट रह जाओगे, बेसिक आर्टिस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आप पैसे कमाओगे, पर जो फेम कमाना है, जो नाम कमाना है, तो वो विदाउट ड्राइंग नहीं कर सकते। धीरे धीरे मैं जो मेरा फेवरेट था रियलिज्म, जो पोर्ट्रेट करने, अब मैंने 2010 में मैंने पोर्ट्रेट करने और ज़्यादा स्टार्ट कर दिए,
और धीरे धीरे इंडिया के अंदर लोग मुझे पोर्ट्रेट टैटू आर्टिस्ट के नाम से ज़्यादा पहचानने लग गए। यानी ये लगा लो कि मेरा कंपटीशन मैं औरों से नहीं करता था, मैं कंपटीशन अपने आप से करता था, क्योंकि जो मैंने कल टैटू किया है उस टैटू को आज कैसे फेल करूँगा। यानी कल के टैटू से आज टैटू और अच्छा करना है मुझे, तो यानी मैंने अपने आप से ही कॉम्पिटिशन करना स्टार्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो कि जो मैंने 2010 में टैटू किए हैं और जो मैं आज टैटू करता हूँ उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। टॉप 100 में आने के बाद काफ़ी प्राउड फीलिंग हुई, और आपको मैं बताऊँगा कि काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी मुझसे टैटू करवा चुके हैं, और इंडिया से ही नहीं, मेरे पास इंडिया के बाहर से, जर्मनी से, यूएस से, इंग्लैंड से और दुबई से, काफ़ी कंट्री से मेरे पास लोग टैटू करवाने आते हैं। और जो मेरा सबसे फेमस टैटू है, गुरु नानक देव जी का टैटू, वो मेरे पास इंग्लैंड से स्पेशल टैटू करवाने आए थे। मैं पिछले 8 से 10 सालों में काफ़ी इंटरव्यू दे चुका हूँ, काफ़ी न्यूज़ चैनल, काफ़ी न्यूज़पेपर, पर ये मैं आपको डीपली और काफ़ी अपना जो लाइफ का जो पूरा जिसे बोलते हैं निचोड़, वो मैं आपको डीपली इसलिए बता रहा हूँ, एक तो जो महेश चवान है उसकी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप डीपली बताओ, तो इसलिए डीपली बता रहा हूँ, और एक जो हमारे न्यू जो बिगनर्स हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि आप स्ट्रगल करके ही कुछ हासिल कर सकते हो। ये नहीं कि आज मैंने टैटू स्टार्ट किया और कल मेरा नाम हो जाए, नाम आपको कमाने में बहुत टाइम लग जाएगा। आपको ये नहीं कि आज मैंने टैटू स्टार्ट किया और कल नाम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इस इंडस्ट्री में बहुत सारे टैटू आर्टिस्ट हैं जो आपको इंस्पायर करेंगे, और बहुत सारे टैटू आर्टिस्ट हैं जो इस लाइन में सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। जो टैटू आर्टिस्ट कहते हैं कि इस लाइन के अंदर सिर्फ स्टेंसिल से काम चल जाता है, यानी टैटू में इसमें ड्राइंग की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका बेस, जो इसकी नींव है हमारे टैटू की, सिर्फ स्केचिंग है और पेंटिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आपको स्केचिंग पेंटिंग के अलावा लोग कोई भी आर्टिस्ट बोलता है कि टैटू सीखने में पेंटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, स्केचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो आपको टैटू नहीं सिखा सकता, तो उनसे बच के रहें, और जो अच्छे आर्टिस्ट हैं सिर्फ उन्हीं के पास ही सीखें। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल। और मैं आपको जाते जाते ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अपने आप को बीट करो, और इस लाइन में जो सबसे मेन है, नशे से दूर रहो, नशे से कोई अच्छा आर्टिस्ट नहीं बन सकता। सो गाइज, जो भी मैंने आपको बताया ये मेरी रियल लाइफ है, जितना भी स्ट्रगल किया है और जो भी जैसी भी मेरी जर्नी थी, मैंने आपको बिल्कुल रियल बताई है। होप आप इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे, और आपको ये कैसी लगी और आपने इसमें क्या क्या सीखा, और लाइक और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अपनी पूरी मेहनत करो, अपना 100% दो, तो आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। बेस्ट ऑफ लक, कीप रॉकिंग। सो होप गाइज, ये आपको वीडियो अच्छा लगा जो मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है पाजी के ऊपर, एंड देन मैं यही बोलूँगा कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाजी के रियल लाइफ में हो चुके हैं, राइट, जो रियल स्टोरी है पाजी की। ऐसे बहुत सारे टैटू आर्टिस्ट आने वाले हैं लाइफ में हमारे, जो हमारे चैनल पर हमेशा आते रहते हैं, और मैं यही बोलूँगा कि गाइज इसमें से बहुत कुछ सीखने जैसा है। मैं पाजी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो चुका हूँ। मैं एक रियल स्टोरी बताऊँगा कि मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं जो पाजी ने मुझे कभी अवॉइड नहीं किया। पाजी ने हमेशा एक एनर्जी जो होती है हर चीज़ की, वो बहुत सारी एनर्जी दे चुके हैं मुझे हमेशा, और हमेशा सपोर्टिव रहे मेरे लाइफ में। मेरे स्टूडियो में जब मेरा स्टूडियो भी नहीं था तो मेरे पास कुछ काम नहीं था उस टाइम पे, मेरे पास पैसे की बहुत तंगी थी उस टाइम पे। पाजी ने मुझे बहुत कुछ सपोर्ट किया, मतलब इतनी मैं बोलूँगा अमाउंट नहीं बता सकता कि पाजी ने क्या क्या सपोर्ट किया। पाजी ने बहुत सारी चीज़ें जो मतलब हमारे मॉम डैड कैसे करते, राइट, मॉम डैड जो हमारी ज़रूरतें पूरी करते, वैसे पाजी ने मेरी ज़रूरतें बहुत सारी चीज़ें पूरी कर चुके हैं। एंड देन आई एम सो हैप्पी कि मेरे लाइफ में ऐसी सारी चीज़ें हो चुकी है जो पाजी ने मुझे सपोर्टिव रहे हमेशा, एंड देन
आप लोगों के साथ हमेशा ऐसे ही रहो। आपके साथ बहुत सारे गुरु है, जो आपके साथ भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो गुरु ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। और मैं यही बोलूँगा कि गुरु को कभी अवॉइड ना करो, क्योंकि गुरु गुरु होता है और गुरु से बढ़कर कोई नहीं रहता। और मैं यही बोलूँगा कि गुरु के आगे कभी मत जाने की ट्राई मत करना, हमेशा गुरु को जो नाक ऊंचा होता है, जो नाक ऊंचा रखो हमेशा। लव यू गाइज, कीप रॉकिंग एंड देन बाय बाय। और हाँ, प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री बहुत मुश्किल से आप लोगों के लिए बनाई है।